खबर मिल रही है प्रतिभा सिंह के खेमे से। ये बड़ी खबर, सूत्र बता रहे हैं कि प्रतिभा सिंह गुट ने कहा है कि अगर वीरभद्र परिवार से सीएम नहीं तो पार्टी में टूट हो सकती है। सूत्र कह रहे हैं कि कोई और सीएम बना तो हिमाचल में पंजाब जैसे हालात हो सकते हैं। 25 से 26 विधायक वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ हैं, ये सूत्रों का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी लगातार खबरें मिल रही थी कि हिमाचल में अब कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, और ऐसे में खुद प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा था टाइम्स ऑफ भारत पर, हमारे सहयोगी ने उनसे बात भी की थी, तो देखिए वो बता भी रही थी। आपने सुना कि वीरभद्र सिंह के चेहरे पर ही उनकी तस्वीर लेके ये पूरा चुनाव प्रचार किया गया, और जिस तरीके से उनकी उनकी पार्टी ने मेहनत की है, कांग्रेस ने, और खासतौर पर उनका ये कहना था कि उनके परिवार ने जो मेहनत की है, जमीनी स्तर पर जो काम किए हैं लगातार, वीरभद्र सिंह की तस्वीर को लेकर वो जनता के बीच गई और पहला जो समर्थन है वो उन्हीं को मिलता है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, वो हिमाचल में ही मौजूद है, शिमला में ही मौजूद है। गौरव जरा बताएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 20 से 25 विधायक वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ है, तो क्या एक टूट हो सकती है अगर प्रतिभा सिंह को सीएम नहीं बनाया जाता है, या फिर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, और देखिए इस वक्त हम शिमला में हैं और यहाँ पर एक होटल के अंदर इस वक्त जो है प्रभारी राजीव शुक्ला हो, चाहे सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, सभी मौजूद हैं। और खुद प्रतिभा सिंह अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय प्रभारी जो हैं हिमाचल के राजीव शुक्ला से मिलने गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतिभा सिंह का खेमा है या स्वर्गीय वीरभद्र सिंह परिवार का खेमा है, उनकी तरफ से दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। और लगातार कल नतीजों के बाद से जिस तरह से सीएम पद के मांग जो है लगातार की जा रही है, जो हमें जानकारी मिली है प्रतिभा सिंह खेमे से खबर कि अगर किसी और को सीएम बनाने की कोशिश की गई तो पंजाब कांग्रेस जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। यही नहीं, 20 से 25 विधायक प्रतिभा सिंह के समर्थन में खड़े हुए हैं, ये बात भी जो है वो प्रतिभा सिंह के खेमे से कही गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां एक तरफ जो ऑब्जर्वर्स हैं, प्रभारी हैं, सब कुछ एक राय होने की बात कह रहे हैं, ये साफ साफ निकल कर आ रहा है कि इन 40 विधायकों में भी दो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं, जिनमें स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का परिवार है, जिनमें उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य जो कि शिमला ग्रामीण से विधायक बने, और दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। क्या दोनों की जो एक आपस की प्रतिस्पर्धा है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, वो कांग्रेस को भारी पड़ रही है, इसी वजह से लेकर यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हैं। और आज की बैठक जो है संभवतया जो 3 बजे थी वो टल कर 4 बजे हो सकती है। इसी होटल के अंदर अभी राजीव शुक्ला जो कि केंद्रीय प्रभारी हैं, वो प्रतिभा सिंह से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। जो प्रतिभा सिंह का गुट है, खेमा है, उनके रुख बिल्कुल साफ हैं, स्पष्ट हैं। चुनाव वीरभद्र सिंह की लेगेसी पर लड़ा गया, उनके चेहरे को आगे करके लड़ा गया, उनके कामों को बताते हुए लड़ा गया। ऐसे में सीएम की कुर्सी भी वीरभद्र सिंह के परिवार में ही रहनी चाहिए। इसीलिए प्रतिभा सिंह ये कह रही हैं कि देखिए कहीं ना कहीं सीएम उन्हीं को बनाया जाए, जिस तरीके से अभी तक उनके जो वर्ड सामने सुने हैं, जिस तरीके से बयान सामने आए, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। गौरव, अपनी नजर आप बने रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ